Hello guys, you all are watching Seva Learning. You all can also visit us on www.sevalearning.in. So today I am going to tell some important facts about the Uttar Pradesh NEET and MBBS private colleges in Uttar Pradesh. Okay, so I think आप सबको पता होगा कि उत्तर प्रदेश में लोग एडमिशन लेने से थोड़ा सा दूर हटते हैं क्योंकि वहाँ के फीस लोगों को बहुत ज़्यादा लगता है और थोड़ी सी लोगों को डाउट रहती है कि कौन कौन से कॉलेजेस अच्छे हैं, कौन से अच्छे नहीं हैं, क्या रैंकिंग है, उसके बारे में मैं आपको पूरा डिटेल में आज बताऊंगा. सो प्लीज वॉच द वीडियो टिल लास्ट इफ यू वांट टू गेट सम जूनियर इन्फॉर्मेशन. सो देखिएगा, उत्तर प्रदेश में फर्स्ट जॉब का जो कॉलेज है वो है कैरियर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड हॉस्पिटल लखनऊ. सेकेंड है ईरा लखनऊ. थर्ड है हिंद. फोर्थ है मेजर एस डी सिंह. फिफ्थ है मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज. रामा है रामा मेडिकल कानपुर, गाजियाबाद, हापुर. रोहिलखंड है, संतोष है, सरस्वती है, स्कूल ऑफ मेडिकल साइंस, श्री राम मूर्ति स्मारक है, शुभारती है, तीर्थंकर है. ठीक है, और एक आपकी जो छूट जा रही है वो शारदा है. ठीक है, अब देखिए इसमें जो जो अच्छे कॉलेजेस हैं उत्तर प्रदेश के, जो अच्छे कॉलेजेस हैं, ठीक है, ये आप यूपी डीजीएमई की वेबसाइट से भी देख सकते हैं. इनमें जो अच्छे कॉलेजेस हैं और जो 2018 में एमसीआई अप्रूवल वाले थे वो ये टोटल केवल 14 ही है और मैक्सिमम चांसेस हैं, प्रोबेबिलिटी है कि यही 14 कॉलेज 2019 में ही रहेंगे, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी. अब बात आती है यहाँ के फी स्ट्रक्चर की. तो फी स्ट्रक्चर इन कॉलेजेस की ज्यादा नहीं होती है, टोटल 9 से लेके 13 लाख के अंदर ही होती है. 9 to 13 लाख फीस पर ईयर होता है उत्तर प्रदेश में जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं. उनका फीस कैसे बढ़ जाता है, फर्स्ट ईयर में वो क्या करते हैं, वन ईयर का जो एक्स्ट्रा फीस जो जमा करा लेते हैं उसको, उसके बाद हॉस्टल का, हॉस्टल की फीस वहाँ थोड़ी सी ज़्यादा है. हॉस्टल का ये मान के चलिए वहाँ पे 2.5 से लेके 4 लाख तक हॉस्टल फीस है उत्तर प्रदेश में फॉर द एमबीबीएस स्टूडेंट. ओके, तो फीस उनकी कम लगती है लेकिन जो लम सम फर्स्ट ईयर में जमा करा लेते हैं वन ईयर की एक्स्ट्रा फीस और हॉस्टल की वन ईयर की एक्स्ट्रा फीस, उसको लेके फर्स्ट ईयर में जो एक्सपेंडिचर है उत्तर प्रदेश के लिए वो चला जाता है तकरीबन 40 लाख. लेकिन अगर वो लमसम को छोड़ दिया जाए तो फीस सेम है 9 to 13 लाख पर एनम फॉर एनी कॉलेजेस हियर. दूसरी बात ये है कि जितने भी यहाँ पे जो कॉलेजेस हैं, जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं, सबका जो कट ऑफ मार्क्स है 400 के अंदर ही है. ठीक है, जो बहुत जो अच्छे हैं जैसे ये आपका मुजफ्फरनगर है, उसके बाद ये आपका श्री राम मूर्ति है, ये थोड़े से अच्छे हैं, इनका चला जाता है 420, 410. लेकिन ये मान के चलिए कि मॉपअप तक इनमें आपका अगर मार्क्स है लाइक 250, 300 है तो भी, 200 है तो भी, इन सब कॉलेजों में लास्ट ईयर सीट मिली है. ओके, चाहे वो हिंद हो गया, हिंद तो मान लीजिए उतना अच्छा कॉलेज नहीं है बट हिंद में 200 तक मार्क्स तक लास्ट ईयर एमबीबीएस में सीट दिला गया है. ठीक है, तो अब आते हैं अगर आपको उत्तर प्रदेश के प्राइवेट कॉलेजेस में अगर जाना है तो अगर आपका मार्क्स 250 है, 300, सपोज यू गॉट 300 मार्क्स, देन आप ये मान के चलिए कि आप सेफ जोन में हैं और आपको उत्तर प्रदेश में कोई भी एक कॉलेज मिल जाएगा. ठीक है, दूसरी बात यह है कि इसमें जो अच्छा कॉलेज है तो अच्छे में सबसे अच्छा है जो SRM है, जो आपकी जो श्री राम मूर्ति बरेली वाली है, ये है रामा के दोनों ब्रांचेज हैं. ठीक है, मुजफ्फरनगर है रामा का, जो गाजियाबाद है, जो कानपुर है वो ज़्यादा बेहतर है.
उसके बाद आता है सुवारती, ये भी ठीक ठाक कॉलेज है। संतोष जो गाजियाबाद वाला है, ये डीम्ड यूनिवर्सिटी है, डीम्ड कॉलेज है, ये उतना अच्छा नहीं है। इसका फीस भी 19 लाख है। ध्यान में एक बात और रखिएगा, मैं संतोष की बात नहीं कर रहा था। संतोष का फीस 19 to 20 लाख पर एनम है, और संतोष मेडिकल कॉलेज एक डीम्ड है, वो प्राइवेट नहीं है, डीम्ड प्राइवेट है, ठीक है। तो अगर आपको इनमें कहीं भी एडमिशन लेना है, जैसे ये रोहिलखंड मेडिकल कॉलेज बरेली, ये भी बहुत अच्छा कॉलेज है, ठीक है। तो ये मान के चलिए कि फर्स्ट ईयर का बजट थोड़ा ज्यादा जाता है, रिमेनिंग ईयर में फीस आपका सेम हो जाता है। दूसरा एक इसमें एक कॉलेज ऐड होके आया था, मुलायम सिंह करके, ठीक है, जिसमें 2018 में एडमिशन हुआ और 19 में भी जाहिर सी बात है उसमें एडमिशन हो गया, लेकिन उसमें अभी पूरी फैसिलिटीज वगैरह बेड वगैरह नहीं है, ठीक है। बट यू कैन गो एंड द फीस इज सेम 9 to 10 lakhs पर एनम in Mulayam Singh also, okay. So and these are the dental colleges like Santosh Dental, Ghaziabad, Sardar Patel, Saraswati Dental College, Rama Shubharti, ठीक है, ये सारे डेंटल हैं। तो डेंटल तो बाद की बात आती है, डेंटल में कोई कोई जाना नहीं चाहता है, नो वन वॉन्ट टू गो फॉर द डेंटल। लेकिन अगर आप डेंटल की अगर आप चाहते हैं तो जो इंद्रप्रस्थ डेंटल कॉलेज गाजियाबाद है, ये सबसे अच्छा है, ठीक है। ये आईपी जो है, ये पूरे डेंटल कॉलेजेस में सबसे अच्छा है, पूरे यहाँ शुरू से आप स्टार्ट करेंगे, इसका फीस भी काफी कम है इंद्रप्रस्थ का। तो डेंटल बाद की बात है, अगर आपको नहीं मिलता है, उसके बाद एबीबीडी है, बाबू बनारसी दास, ये भी डेंटल लेता है, पर इससे उतने अच्छे नहीं है। डेंटल है इंद्रप्रस्थ डेंटल कॉलेज जो गाजियाबाद का है, वो काफी सुपर है, ठीक है। फीस भी कम है, फैसिलिटी भी अच्छी खासी है, प्लेसमेंट भी अच्छा है। तो ये रही बात उत्तर प्रदेश की, और अगर आपको कोई डाउट आती है तो ऐसा नहीं है कि आप पूछ नहीं सकते हैं, आप कॉल करके कोई भी डाउट आती है, या कोई फिक्स कॉलेज की उसकी फीस क्या है, या आने वाले समय में 19 में क्या चेंजेज हैं, क्या फीस है, कितने मार्क्स पे लिए थे, तो ये सब आपको एक एक करके बताया जा सकता है। लेक्चर हर एक कॉलेज का डिफरेंट आपको वो बताया जा सकता है, अगर आप कॉल करके इसे पूछते हैं, ओके। नॉर्मली ये मान के चलिए उत्तर प्रदेश में अगर आपका मार्क्स 200 से 400 के बीच में है तो आपको कॉलेज मिलेगा ही मिलेगा, ओके। और फीस रहेगी 9 to 13 lakhs, लेकिन फर्स्ट ईयर की बजट ज्यादा जाती है, ओके। So thank you for watching. Have a nice day. Keep enjoying.